और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर वापस जाऊंगी सिर्फ अच्छा, उनके लिए मत, रो मत। क्योंकि इसने तो कुछ छोड़ा नहीं था ना, बस तो वो घर में होकर ही घर में ही डाका डाल रही है। हम गलती पर तुम्हारी गलती ये थी, अगर कोई मुझसे कॉल करता है, इवन कि मेरे घर से भी कॉल आती है, तो पहले मैं तुमसे पूछती हूँ छुपा रहे हो, मुझे खुद पता लगा है। कोई 8 महीने बाद स्क्रीनशॉट अभी भी मौजूद है, झूठ नहीं बोलो, अपनी बीवी को मत बताना पी रहे हो, किसी का नमक खा के उसकी आप नमक हरामी कर रहे हो, आप उसके शौहर से पैसे उधार ले रहे हो, या चलो व्हाटएवर कॉल आपने जो भी किया, ठीक है, आप उस बंदी के घर में फिर आ भी रहे हो, उसकी चीजें भी ले रहे हो, उसके घर में खाने भी खा रहे हो, और उसको बता भी नहीं रहे हो। अब बहुत स्वीट सी बन के, बहुत मासूम सी बन के, हाँ मैं तो वैसे औरतों का लड़कियों का मुंह तोड़ दूं। नहीं पर कितने साल बता रहे हैं रिलेशन, यानी हमारा वो है रिलेशन, देखा आपने, रिलेटिव है, कजन है, बचपन से जानते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, वर्ड्स को आप देखें, वो संभाल नहीं पा रहे ना, तो वो घर में होकर ही घर में ही डाका डाल रही है। हमारे घर में नहीं होती, यानी वो अपने घर पे रहती है, लेकिन खानदान मतलब है तो खानदान तो एक है ना हमारा। देखे मेरी बात ना, उसको पैसों की नीड थी, उसने मुझसे पैसे मांगे, बस मुझसे गलती पर तुम्हारी गलती ये थी, अगर कोई मुझसे कॉल करता है, इवन कि मेरे घर से भी कॉल आती है, तो पहले मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर मुझे एक छोटी सी भी चीज देनी होती है, ये एक ये नहीं होता इजाजत लेना, एटलीस्ट इंसान बता देता है यार आबिया ऐसे ऐसे कॉल आई है, वो मुझसे ऐसा कह रही है, मैं उसको पैसे भेज रहा हूँ, और पैसे भेज के भी आप मुझसे छुपा रहे हो, मुझे खुद पता लगा है, कोई 8 महीने बाद। तो 8 महीने तक पैसे भेज रहे थे, 8 महीने तक पैसे भेज रहे थे उधार, और सुने एक मिनट मेरी बात सुनो, हर एक बार नहीं भेजे, मेरे पास स्क्रीनशॉट अभी भी मौजूद है, झूठ नहीं बोलो, जो बात सच है वो बात सच है। एक बार तुमने पूरे 4 लाख भेजे, ठीक है, उसके बाद तुमने 1.5 लाख एक भेजे, ठीक है, 80,000 एक भेजे तुमने, बाकी भी और भी स्टेटमेंट होंगे, अच्छा ठीक है ओके, 40,000 होंगे शायद, मैं गलत बोल रही हूँ, 400 रुपए भेजे थे वो इजी लोड के लिए, मैं भी शायद ऐसे हो सकता है नहीं, बट ये जिस तरह बोल रहे हैं ना, तो 400 ही थे इजी लोड के लिए, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं प्रॉमिस कुछ ऐसा नहीं था, मैंने इसको भी समझाया। तो आप मुझे बताएं, अगर आप किसी की ठीक है मदद भी कर रहे हो, और आई थिंक मुझे ये लगता है दैट अगर मर्द कोई काम भी करता है बिजनेस का जो भी, आप अपनी बीवियों के साथ वो शेयर करो, ये एक रियलिटी है। मैं हर चीज शेयर करता हूँ, बस मुझसे गलती हुई, बस ये मुझसे गलती हुई, ये शेयर नहीं किया, मुझसे गलती हुई, ये गलती हुई, मेरी बात सुनो, अगर वो उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपकी बीवी को पता है ये इतना, देखो 4 लाख उन्होंने ये भी कहा कि अपनी बीवी को मत बताना, ओ इन्होंने ये बोला, उन्होंने ये भी बोला अपनी बीवी को मत बताना, और मुझसे ज्यादा अच्छी बातचीत होना इसकी ज्यादा है। तो अब अगर मेरी सोचो, अगर मेरी अच्छी दोस्त है, तो मेरी अच्छी दोस्त है या कोई भी है, तुम्हें चाहिए था तो मुझसे पूछते, और आपने जब उनसे कन्फ्रंट किया तो वो चीज है, उसने कहा कि नहीं भाई मैं क्या बोलूँ, उसने सारा इल्ज़ाम इन्हीं को ही दिया कि भाई मैंने तो उससे कहा था कि, और उसने कोई मुझे उधार तो पैसे नहीं दिए, रैब उसी में उधार ही थे ना ये। अच्छा भाई उन्होंने फिर वापस दिए पैसे? नहीं वापस ही दिए, क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं लिए तुमने? ये बात हुई थी कि जब मेरे पास होंगे मैं दे दूंगी, असल में उनके साथ कुछ प्रॉब्लम, और मैं तो चाहती थी कि हाँ रोड पे थे वो लोग, बहुत गरीब हैं, क्या क्या प्रॉब्लम था उनको, नीड थी पैसों की, 4 लाख की क्या नहीं, हाँ नहीं 4 लाख एक साथ नहीं लिया उसने, थोड़ा थोड़ा करके लिया, बिल था क्या मसला था, राशन लाना था, राशन बच्चों की स्कूल शादीशुदा है, नहीं नहीं, और मैं कहती हूँ ऐसी लड़कियों को औरतों को शर्म नहीं आती किसी का, अगर आप किसी को जानते भी हो, ये मैं सबके लिए बात बोलूंगी, एक मेरे लिए नहीं यार, आप किसी को ये देख रहे हो कि आप किसी के घर में आ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, किसी का नमक खा के उसकी आप नमक हरामी कर रहे हो, आप उसके शौहर से पैसे उधार ले रहे हो, या चलो व्हाटएवर कॉल आपने जो भी किया, ठीक है, आप उस बंदी के घर में फिर आ भी रहे हो, उसकी चीजें भी ले रहे हो, उसके घर में खाने भी खा रहे हो, और उसको बता भी नहीं रहे हो। अब बहुत स्वीट सी बन के, बहुत मासूम सी बन के, हाँ मैं तो वैसे औरतों का लड़कियों का मुंह तोड़ दूं। नहीं पर कितने साल की है वो? 22 साल की होगी वो, 22-23 साल की होगी, 22-23 हाँ। और ये घर आती थी, ये खुद ही उसको कभी परफ्यूम दे रही है, कभी कुछ दे रही है, पूछा कपड़े भी दे रही है। अरे कितने साल से आप जानते हो उन्हें? बता रहे हैं रिलेशन, यानी हमारा वो है रिलेशन, देखा आपने, रिलेटिव है, कजन है, बचपन से जानते हैं।
पॉइंट टू बी नोटेड. वर्ड्स को आप देखें वो संभाल नहीं पा रहे हैं. मैं मतलब क्या बोलूं, किस तरह बोलूं. देखें एक बात है, एक मिसाल है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है. और तुमने अभी खुद बताया रिलेशन, रिलेशन कहां से आ गया, तुमने तो उधार मांगा. नहीं तो आप लोग सिंस आप अलग हो गई थी कुछ टाइम के लिए. मैं अपनी अम्मी के यहाँ चली गई थी, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था. सेपरेशन पीरियड ही होता है कि बंदा दूरी इख्तियार फरमा लेता है जब कुछ समझ में नहीं आता और इंसान को लगता है लड़ना भी बकवास है. क्योंकि जब आपका ही सिपाही बिक जाए तो आप क्या लड़ोगे, किसके लिए लड़ोगे. बात तो सच है ना, बिल्कुल ऐसा. सिपाही हमारा बिका हुआ एक 26 साल की लड़की के हाथों बिक गया. ऐसे ही है. तो देखे इन्होंने भी आपको पसंद उसी उम्र में किया था, अभी वापस ये उसी, मुझे लग रहा है ये वो 50 साल भी होंगे वो 26 पर ही जाएंगे. ऐसा ही है. नहीं नहीं मजाक करी मजाक करी. तो जब ये फड्डा हुआ, लेकिन मैंने तो आपको सब चीजें दी ना. नहीं नहीं, जब वो फड्डा हुआ और ये सारी चीजें, तो बेबो ये सारी बातें बोल रही है, आप क्या बोलेंगे अपनी तरफ सफाई के लिए. आपने क्यों इस बात मैंने यकीन माने मैं बताऊं, मैंने सिर्फ हेल्प की थी, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था. लेकिन कंटीन्यूअस हेल्प आपको ऐसे नहीं लगता कि अगर आप एक इंसान को लगातार देते जाओ तो आप उसकी हेल्प नहीं, अच्छा, उसको लाचार बना रहे होते हो, आदत दे रहे होते हो. कोई भी एक शौहर होगा ना, वो किसी लड़की को पैसे दे रहा होगा, उसकी बीवी मना कर देगी नहीं देने देगी. नहीं, ये मैं यहां पर बोलूंगी गलत है. आपके अकाउंट से नहीं, मेरे अकाउंट से जाएगा. और उधार ही मांग रहे हैं ना, उधार तो आप किसी के भी अकाउंट से दे सकते हो, ये भी तो आप देखो ना. हाँ और आपको कैसे लगता कि अगर आप, मैंने कभी एक मिनट, इन्होंने कहा कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को बोले, किसी और बीवी में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है, मैंने तुम्हें कभी भी कहीं पे पैसे देने लेने से मना नहीं किया. हाँ ये बात हकीकत है, पर तो फिर भी तुमने ऐसा लेकिन किया. लेकिन बेबू इसके बरक्स देखो, ये तो मुझसे चलो एक गलती हुई, लेकिन मेरी 10 अच्छाइयां भी तो हैं. हाँ. तुम बताओ मैं शुरू से तुम्हें कैसे रखता हूँ. ये देखो जो चीजें हैं ये मैं अब शो में गलती तो आज सब चीजें तो नहीं खत्म कर सकते. नहीं, ना नहीं तो आप, आपको क्या वो लगता गलती है, मैं अगर, अगर आप उसको प्यार से रख रहे हो तो उस पर एहसान है. वो तो हक है, वो तो इस औरत का हक है. अगर अगर कोई शौहर अपनी बीवी को बहुत ही आसमान पर रखता है, सर पर रखता है, वो उसका हक है, वो उस पर एहसान नहीं कर रहा. He has to keep her like that. वो उसके बच्चों की माँ है. अगर वो बीवी भी, मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ अगर बीवी और मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाए ना, अपनी बीवियों की रिस्पेक्ट करो क्योंकि वो आपकी औलाद की माँ है. ये सोचकर इंसान को इज्जत देनी चाहिए. बेशक जैसे आप अगर अपनी माँ की इज्जत करते हो ना, तो उससे दुगना आपको अपनी बच्चों की माँ की इज्जत करनी चाहिए. आपकी माँ ने तो आपको पैदा करके पाला है, आपकी बीवी आपके नाम आगे बढ़ा रही है, चाहे वो एक बेटी के जरिए या बेटे के जरिए. नाम दोनों बच्चों से बढ़ता है, आई एम नॉट गोना से कि लड़कों से बढ़ता है, ये एक बहुत ही घटिया मेंटालिटी है, टेक इट आउट. पर आप मुझे बताओ, सिंस दिस कंट्रोवर्सी, तो लोग बहुत सारी खानदान में भी लोग बातें बोलते होंगे, हर चीज आप लोग ने व्लॉग टिकटॉक इन चीजों पर लगाया हुआ है, तो खानदान वाले लोग ने क्या रिएक्ट किया? खानदान वाले लोग ऐसा करते हैं, देखते सोशल मीडिया में और कमेंट्स घर पे आके देते हैं मेरे अम्मी अब्बू को. ओके तो फिर वही है कि फिर वहां से एक जंग शुरू होती है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अब इतना टाइम हो गया. सर बहुत अच्छे.